बदल गई है। अयोध्या में राम राज आ गया है। प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर के अब तक कोई माई का लाल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, राम जन्मभूमि की बात तो छोड़ दो, अयोध्या का भी जिक्र नहीं चला। हनुमान जी के बारे में आज इस समय वर्तमान में मोदी जी और योगी जी का इतना हनुमान जी की कृपा भई कि गांव गांव में अब सब लोग जान गए हनुमान जी के, राम जी के। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी और पूरे भारत में मोदी जी। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री वास्तव में वही जोगी मोदी जी के चाहिए। अयोध्या में बहुत अच्छा विकास हो रहा है अयोध्या का। माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने बहुत विकास किया अयोध्या का। एयरपोर्ट कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि अयोध्या में भी एयरपोर्ट होगा। कुछ नहीं कर सकता हो सनातन, न मिटा है न मिटेगा, कोई मिटा नहीं सकता। सनातन सदैव रहेगा, जो मिटाने वाला खुद मिट जाएगा और मिट गए हैं। बाबा जी नमस्कार, जय श्री राम। बाबा जी आपका क्या नाम है और कितने साल से आप हनुमानगढ़ी में कथा कर रहे हैं? मेरे राम का नाम है महंत प्रेमदास गद्दी नसीन हनुमानगढ़ी, और हनुमानगढ़ी में हम सन 62 से हैं। सन 62 से। बाबा जी बताइए कि हनुमानगढ़ी में कहा जाता है कि भगवान जो हनुमान है वो रक्षा करते पूरी अयोध्या की, तो कभी अयोध्या की नहीं करते हैं, पूरे वर्ल्ड की करते हैं। अब पूरे वर्ल्ड की ही नहीं करते, त्रिभुवन की करते हैं। ये तीनों त्रिभुवन के नहीं करते हैं, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये बैठे सन यहाँ पर राजा बन करके बैठे हुए हैं, और जगह जो है रुद्र रूप, शांत रूप, सौम्य रूप, दास भाव में बनने बैठे हैं, यहाँ पर राजा बन करके बैठे हैं। बाबा जी अब 500 साल के बाद रामलला स्थापित होने वाले हैं, मंदिर बन गया, कैसा लग रहा है? अरे अब लग क्या रहा, वो तो अंतरात्मा जाने कितना लग रहा, क्या कह रहे हैं, उसके लिए कोई कहने की वाणी नहीं है। बाबा जी अयोध्या कितनी बदल गई, पूरी सड़कों का बदल गई है। अयोध्या में राम राज आ गया है। बाबा जी ये बताइए कि हनुमानगढ़ी में क्या ऐसा इतिहास है और क्या ऐसी बातें हैं जो आम जनता नहीं जानती हो हनुमान जी के बारे में? हनुमान जी के बारे में सब कोई जानता है। हनुमान जी एक मैंने साधारण वो नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा, जहाँ भानु तह दिवस प्रकाश हो, जहाँ राम तह अवध निवास हो। हनुमान जी के बारे में आज इस समय वर्तमान में मोदी जी और योगी जी का इतना हनुमान जी की कृपा भई कि गांव गांव में अब सब लोग जान गए हनुमान जी के, राम जी के। हाँ बाबा जी ये भी बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी का काम काज कैसा चल रहा है, शासन व्यवस्था चल रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी जी और पूरे भारत में मोदी जी। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री वास्तव में वही योगी मोदी जी के चाहिए। बाबा जी देखिए सनातन पर विपक्ष जो है वो हमले कर रहा है, सनातन को मिटाने की बात कर रहा है, डेंगू मलेरिया कह रहा है, तो क्या कहेंगे उनको? मैंने हम अपने सनातन धर्म में वर्तमान में मोदी जी को हनुमान जी का स्वरूप जानते हैं, क्योंकि भगवान राम जी के समय में पद्म 18 जूथप बंदर थे, लेकिन उसमें मात्र एक हनुमान जी ही जान काज प्रभु निकट बुलावा, बुला करके उन्होंने मुद्रिका दिया कि जाओ सीता जी को दे देना, और किसी को नहीं दिया। तो हमने देखा है प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर के अब तक कोई माई का लाल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, राम जन्मभूमि की बात तो छोड़ दो, अयोध्या का भी जिक्र नहीं चला कि अयोध्या भी थाईलैंड में है तो फलाने जगह है, ऐसे लोग कहते थे। लेकिन एकमात्र मोदी हनुमान जी के निगाह में आए और आ करके इनको मैंने साक्षी दे कर करके अब सारा काम करा दिए हैं, सब कुछ हो रहा है। 22 तारीख को प्रतिष्ठा भी है, पूर्ण रूप से राम राज आ जाएगा। अब इतनी भीड़ हो रही है, इतनी जनसैलाब आ रहा है कि उसको संभालने का भी अब शक्ति हनुमान ही जी में है। बाबा जी अब अयोध्या को सब जान गए, अब दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? आ रहे हैं, पहले से भी आ रहे थे, लेकिन अब बहुत संख्यक में आ रहे हैं। हाँ तो देखिए हनुमानगढ़ी की हम एक एक करके आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं
तमाम साधु संत यहाँ बैठकर दिन रात हनुमान कथा का वाचन कर रहे हैं, हनुमान कथा पढ़ते नजर आ रहे हैं और भक्तों में एक सनातन का विश्वास कह लीजिए, भक्तों में भगवान श्री राम की आस्था और भगवान श्री हनुमान की आस्था को जगा रहे हैं। बाबा जी जय श्री राम। और बताइए बाबा जी आपका क्या नाम है और कितने साल से आप हनुमानगढ़ी में यहाँ पर कथा कह रहे हैं? हम लोग कम से कम 4400 साल से यहाँ हैं, हनुमान जी को सुनाते हैं। अयोध्या में बहुत अच्छा विकास हो रहा है अयोध्या का, माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने बहुत विकास किया अयोध्या का। हम लोग अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत दुखित थे हम लोग, अयोध्या का कोई विकास नहीं हो था, बहुत उपेक्षित था अयोध्या, पहले अयोध्या उजाड़ थी। तो बाबा जी ये कहा जाता है कि सीता माता के श्राप के कारण पूरी अयोध्या उजाड़ थी, जब लंका से आने के बाद उनके चरित्र पर सवाल उठाया गया था तब से अयोध्या उजाड़ थी। माता ने तो माता का कृपा थी, उन्होंने दिया था इसलिए वो था, और कुछ राजनीतिक कारणों से भी हुआ है, राजनीतिक कारणों से ज्यादा हुआ है। बाबा जी ये बताइए कि अब जिस तरीके से मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और 500 साल के इतिहास, कितने लोगों ने आहुति दे दी, कितने लोग अब इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने मंदिर के लिए संघर्ष किया, तो कैसा लगा? लाखों लोग दिए आहुतियाँ, और अच्छे अच्छे महंत और कोठारी बंधुओं के चले गए वो लोग, और अनगिनत लोगों की संख्या नहीं कहा जाता, कितना सरजू में कितनी लाशें फेंकी गई, खून की धारा बह रही थी सरजू जी में, वो जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट की गोली चली थी, उनकी संख्या नहीं अनगिनत संख्या कितने मारे गए हैं। हमारे आपके कई पूर्वज जो है हमारे आप जी आपका क्या नाम है? महेश पांडे, जय श्री राम। हमारे आपके कई पूर्वज जो है इस मंदिर में जो है चले गए, देख नहीं पाए, दर्शन नहीं कर पाए, हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मंत्री जी जो है योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी जो है मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, हम लोग अपने आँखों से देखेंगे, बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। अयोध्या का चहुं तरफ से विकास हो रहा है। बाबा जी अयोध्या उपेक्षित थी लेकिन आप देखिए हम भी अयोध्या घूम रहे हैं और सरयू घाट को भी बदल दिया गया, आपको दर्शन हुआ, आप भी बहुत भाग्यशाली हैं, आपको दर्शन हुआ अयोध्या, हनुमान जी के चरणों में बैठी हैं आप, ये बहुत सौभाग्य है सबको, अवसर नहीं, बहुत मीडिया के लोग हैं लेकिन सबको अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम हनुमानगढ़ी आए और दर्शन भी कर रहे हैं। बाबा जी बताइए कि अयोध्या में आप सभी कितने साल से हैं और किस तरीके से धीरे धीरे ही करके लेकिन अब विकास हो रहा है, चौड़ीकरण हो रही है, सड़कों को बनाया जा रहा है और तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है, तो तीर्थ बनेगा तो विकास होगा, रोजगार आएगा, तो बाबा जी इसके लिए क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है और कौन कौन सी वो जगह है जिसको अलौकिक बनाया जा रहा है तीर्थ के नाम से, यहाँ पर इसका विकास किया जा रहा है? अयोध्या में तो सभी जगह जो है अलौकिक हो गई है, चतुर्मुखी विकास हो रहा है, सभी जगह अलौकिक हो गई है, रामपैड़ी ले लीजिए, सरजू जी ले लीजिए, रोड ले लीजिए, हनुमानगढ़ी ले लीजिए, चारों तरफ विकास हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य है अयोध्या के लिए, है ना, सभी सनातियों के लिए बहुत बड़ा। रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है, एयरपोर्ट भी बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि अयोध्या में भी एयरपोर्ट होगा, और बड़ी कृपा है हनुमान जी की, आज एयरपोर्ट भी हो गया और योगी और मोदी की देन है। तो बाबा जी ये बताइए कि अभी विपक्ष जो एकजुट हुआ है वो कह रहा है सनातन को मिटाने की बात करता है, कुछ नहीं कर सकता हो सनातन, न मिटा है न मिटेगा, जो मिटाने वाले हैं वो मिट जाएंगे, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, सनातन सदैव रहेगा, जो मिटाने वाला खुद मिट जाएगा और मिट गए हैं, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता है। बाबा जी सनातन के बारे में डेंगू मलेरिया कहा जा रहा है कि इसको मिटा देना ही ठीक है जी, सनातन के बारे में कहा जाता है कि डेंगू मलेरिया है, जैसे डेंगू मलेरिया को खत्म करना चाहिए जड़ से वैसे ही खत्म करना चाहिए। ये सब बकवास कर रहे हैं, न कोई मिटा पाएगा न मिटेगा, जो मिटाएगा वही मिट जाएगा। जय जय श्री सीताराम, जय अयोध्या धाम की, जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज की, जय हनुमान जी महाराज की।